13.2 संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ ग्रानविल ऑस्टिन का कहना है कि भारतीय संविधान में तीन प्रमुख तत्व हैं जो आपस में सहजता के साथ गुथे हुए हैं। ये हैं राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन। भारत में राष्ट्रीय एकता की कल्पना लोकतंत्र व सामाजिक परिवर्तन के बगैर नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन एकता व लोकतंत्र के बिना नहीं हो सकता है। संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के समक्ष दो खतरों की ओर इशारा किया। पहला, सामाजिक असमानता और दूसरा, जातिवाद के कारण समाज में भाईचारे का अभाव। भारतीय समाज स्तरीकृत और असमानता के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां कुछ लोगों के पास असीम धन है और अधिकांश अत्यंत गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, वरना जो लोग इस असमानता से त्रस्त हैं वे इस राजनैतिक लोकतंत्र का ढांचा, जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है, को ध्वस्त कर देंगे। भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है। जो लोग हजारों जातियों में बटे हैं वे एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे विभिन्न जातियों के बीच आपसी ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। अगर हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनाना है तो इस समस्या से निपटना होगा। संविधान सभा कार्य विवरण 24 नवंबर 1949। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि जब तक हम समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक राजनैतिक लोकतंत्र अस्थिर बना रहेगा। हमारे संविधान निर्माता इस बात से सहमत थे कि संवैधानिक तरीके से समाज में मूलभूत परिवर्तन लाना है और संविधान ऐसा बने जो इस बदलाव को संभव बनाए और उसकी दिशा निर्धारित करे। इस बात को लेकर भी सहमति थी कि अगर इस संविधान का कोई प्रावधान सामाजिक बदलाव के आड़े आता है तो संविधान में उचित प्रक्रिया से संशोधन किया जाए। अमेरिका जैसे देशों के संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसके विपरीत सोवियत रूस या चीन जैसे कुछ और देशों के संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य को मजबूत करने पर जोर देते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं का प्रयास था कि भारत में लोकतंत्र और व्यक्तियों के निजी अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए राज्य को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाएं। संविधान निर्माताओं की कल्पना में भारतीय राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करेगा, मगर सदियों से चले आ रहे भेदभाव व असमानताओं को मिटाने तथा 200 वर्ष की औपनिवेशी शासन से पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उठाएगा। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार की विस्तृत सूची अंकित है और साथ ही उसमें एक अनूठा अध्याय जोड़ा गया है जिसे राज्य के मार्गदर्शक तत्व कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इन तत्वों में से कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा, सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा, महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता लाना, समाज के भौतिक और उत्पादक संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा, कारखानों में उचित काम के हालात और वेतन,
बच्चों के हितों की रक्षा तथा सबके लिए 14 साल की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आदि।